यस आज मैं अपनी एक और स्टूडेंट से मिलवाता हूँ जिसकी ऑल इंडिया रैंक 92 है। अर्शी नाम है जिसका, जो सुरेंद्रनगर गुजरात से हैं। और अर्शी के बारे में एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि इसने बीएससी लास्ट ईयर किया था कंप्लीट। 10 बीएससी करने के बाद टीसीएस में प्लेसमेंट हुआ, बीपीओ में एक साल जॉब भी किया। और जॉब करने के दौरान ये बात समझ में आई कि अगर ये कंटिन्यू किया तो आगे ग्रोथ भी नहीं मिलेगी और सीधा आईटी डिवीजन में जाने का स्कोप नहीं दिखा। देन इसने जॉब छोड़ा, जॉब से क्विट करा, देन ऑनलाइन कोर्सेज जुड़ी और केवल अप्रैल से जुड़ने के बाद अक्टूबर में एग्जाम दिया और न केवल अच्छा परफॉर्म किया, बेस्ट परफॉर्मेंस किया। बहुत सारी ऑड कंडीशन भी रही लाइफ में उसके, और 92 रैंक लाना अपने आप में इस समय बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि एक साल पढ़ाई से दूर भी रही। तो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने का रिजल्ट मिला। तो अर्शी सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, यू हेल्प्ड अ लॉट एंड आपके मोटिवेशन ने काफी सारी हेल्प करी मुझे। अर्शी आपने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया। अच्छा एक बार बताइए, जब आपका लास्ट ईयर, जब आपका बीएससी कंप्लीट हुआ और प्लेसमेंट हुआ, तो उस समय आपके मन में क्या थॉट था और क्यों आपने वो जॉब ज्वाइन किया और फिर जॉब क्यों छोड़ा? कई बच्चे ऐसा सोचते हैं क्योंकि बीएससी के बाद या बीसीए के बाद बहुत बच्चों के पास कई सारे कंपनियों के ऑप्शंस आते हैं और वो सोचते हैं कि हम जॉब कर लें, पर बाद में उन्हें रियलाइज होता नहीं ये हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी। तो आपने जब जॉब मिला था तो क्या सोचा और क्या सोच के ज्वाइन किया और फिर उसको क्विट करने का आपको क्या रीजन लगा? बिल्कुल, ये बहुत बच्चे जानना चाहते हैं क्योंकि आप उनके लिए ये रोल मॉडल जैसा काम करने वाले। टीसीएस में दो फील्ड है, आईटी और बीपीओ। तब मुझे इतना बीपीओ के बारे में पता नहीं था, तो आईटी फील्ड में तो हम जानते हैं कि टीसीएस कितना मतलब फेमस है वगैरह वगैरह। तो जब पता चला मुझे कि टीसीएस की प्लेसमेंट आ रही है तो मैं बहुत खुश थी कि हाँ टीसीएस की प्लेसमेंट आ रही है, और इंटरव्यू वगैरह सब हुआ और सिलेक्शन हो गया तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया वगैरह। पर फिर वहां जाके थोड़ा डीप में पता चला कि ये बीपीओ है, आईटी से थोड़ा अलग है। फिर वहां पे नाइट शिफ्ट वगैरह भी थी तो वो मेरी हेल्थ वाइज इतना अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा आईटी वुड बी ग्रेट फॉर मी, तो व्हाई डोंट आई जॉइन एमसीए फॉर दैट। तो फिर आपने मन कब तक बना लिया था और फिर जॉब क्विट करते समय आपको ऐसा मतलब आपको सपोर्ट मिला लोगों का कि लोगों ने कहा नहीं नहीं जॉब मत छोड़ो, फिर 3 साल की एजुकेशन? क्या आपके लाइफ में चैलेंजेस आए? क्योंकि कई लोग है ना, कुछ चीजें आने के बाद छोड़ने में बहुत देर लगाते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि आपकी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन। नंबर वन, आपने जॉब क्विट किया, आप 3 साल का आप एमसीए करेंगे फिर जॉब करेंगे, तो ये एक लंबी बीच की लड़ाई हो गई। तो उस सब दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए आप। हाँ, उस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो मुझे कह रहे थे कि इतनी अच्छी जॉब है, टीसीएस बहुत नाम वाली कंपनी है और कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी, फिर इकोनॉमिक कंडीशन सारी आ रही है, तो फिर ऐसे हालत में जॉब छोड़ना इज नॉट गुड। बट फिर मेरे पापा ने, मेरे घर वालों ने, सबने बहुत सपोर्ट करा कि नहीं तू कर लेगी, तू कैपेबल है कि आगे बढ़ सके ऐसा। तो आगे एमसीए करके आईटी फील्ड में जाना ज्यादा सही रहेगा ऐसा। तो अर्शी ये बहुत बड़ा डिसीजन था आपका, और देखिए घर वालों का अगर सपोर्ट हो तो सारी दुनिया क्या कह रही फर्क नहीं पड़ता, और सबसे अच्छी बात है आपके घर वालों का सपोर्ट था। नॉर्मली हम जैसे देखते हैं बच्चे जब ग्रेजुएशन करते हैं तो एक ड्रॉप लेने से भी डरते हैं, आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो। आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब भी किया और जॉब के बाद ये डिसीजन लेना कि नहीं मैं इसमें कंटिन्यू नहीं करूंगी क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं दिख रही है, और निमसेट की तैयारी करी जबकि आप पढ़ाई से करीब करीब लगभग 6-8 महीने दूर रहे होंगे, फिर से अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में लाके और एक इतनी अच्छी रैंक लाना और इतनी ऑड कंडीशन में, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस पे आपका खुद का क्या पढ़ाई का रूटीन रहता था और कैसे आपने सब प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को फेस किया? पहले तो मुझे अप्रैल में ही पता चला कि निमसेट जैसी कोई एग्जाम होती है, मेरे पापा ने सर्च करके वगैरह मुझे बताया था कि ऐसे एमसीए होता है और निमसेट बहुत बड़ी नेशनल लेवल की एग्जाम है। फिर मैंने आपके YouTube पे वीडियोस देखा और मुझे आपका जो लॉजिक से सॉल्व करते हैं आप सारे मैथ्स के क्वेश्चन, वो सब बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो फिर आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, फिर उसमें आपके जो पुराने सारे वीडियोस थे वो मैंने देखे, उससे नोट्स बनाई अपनी। मेरे पास टाइम कम था तो मैं ज्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ पाई, पर आपके सारे वीडियोज देख के मैंने खुद की नोट्स बनाई और रोज फॉर्मूलाज मैं लिखा करती थी, हर रोज मैं फॉर्मूलाज लिखती थी। और फिर मेरे पापा बोलते थे मुझे कि तू हर रोज एग्जाम दे। मैंने तैयारी नहीं करी थी शुरू शुरू में इतनी, फिर भी मैं हर रोज एग्जाम दे रही थी। आपके सारे टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल थे पीडीएफ में, तो मैंने जब पहली टेस्ट दी थी तब मेरे कुछ 250 के आसपास मार्क आए थे,
तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी। तो फिर आपके तभी प्रिपरेशन प्लान के वीडियोस देखा, आपने बोला कि अभी तो अभी टाइम है हमारे पास, अभी तो बहुत कुछ करना है, हो जाएगा। तो फिर उससे भी कहीं ज्यादा मैं मोटिवेट हुई, घर वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, तो फिर ऐसे मैंने काफी कुछ करा। देखो कितनी अच्छी बात बोली अर्शी ने। मैं हमेशा बच्चों को एक बात बोलता हूँ, जब लिमिटेड टाइम हो तो स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या होता है, कई सारी गाइड के चक्कर में पढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ बहुत लिमिटेड पढ़ो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, कंसेप्ट बना के पढ़ो, और जो टेस्ट पेपर है उससे करो। आप लिमिटेड मटेरियल सॉल्व करके भी अच्छी रैंक ला सकते हो, कई सारी बुक करके ला पाओ ना ला पाओ, पर कम बुक को अच्छे से सॉल्व करके लाया जा सकता है। और ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने पूरे वो छोटी छोटी चीजें समझी। और देखिए खास बात जो आपने बोला ना, निमसेट पता नहीं था, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत बच्चों को, ग्रेजुएशन वालों को पता ही नहीं होता है कि निमसेट या एनआईटी के थ्रू एमसीए किया जा सकता है। वो तो अभी एक ऑनलाइन का आजकल काफी ट्रेंड बढ़ गया है, और पिछले कुछ सालों से जैसे गुरुकुल ने स्टार्ट किया निमसेट का, उससे बहुत फर्क पड़ा। पर मैंने खुद फील किया कि कई बच्चों को सही में नहीं पता होता। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि आपने अप्रैल में सोचा, अपने पूरे एफर्ट्स डाले, और एक टॉप 100 में रैंक बनाना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयां अर्शी। और मैं चाहूंगा कि आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हो जो जूनियर्स के लिए हो, या जो लाइफ में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपने एक जॉब छोड़ा, अच्छी एक सैलरी, टीसीएस एक अच्छा नाम है नो डाउट, तो इतना अच्छा जॉब, इतना अच्छा सब छोड़ के आपने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया। तो जो लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं या जो लोग कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो और सबका सपोर्ट है आपके साथ, तो फिर आपको वो करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक बार अगर ठान लिया तो फिर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, वहाँ जो रास्ता चुन ही लिया है वहीं पे आगे बढ़ना चाहिए। और निमसेट में सबसे बड़ी चीज यही है कि चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, जो आप हमेशा कहते हैं, और यही मुझे लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा काम आया था कि कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं और कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। तो निमसेट में ये बहुत काम आया था मुझे। वेरी गुड अर्शी। वैसे जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं, वो यही बोलते हैं सर कि जो आप बोलते हैं वो मानो तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है। आपने बहुत अच्छे से उसको फॉलो किया, और देखो आपके सामने आज रिजल्ट है, और ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब आपको एक अच्छा, अभी आपको NIT त्रिची या सूरतकल में कोई कॉलेज मिलेगा। अब आपको 3 साल के MCA के बाद भी एक अच्छी जॉब लेनी है, और बहुत आगे जीवन में बढ़ना है। ऐसे ही आगे बढ़ो। और अब आपको जीवन में मैं एक चीज बताता हूँ, जो लोग इस तरह का रिस्क लेते हैं और फिर कुछ अचीव करते हैं, अब आपको लाइफ में कभी किसी चीज का डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक वो अचीवमेंट लिया है, एक तो जॉब छोड़ा है, मतलब वो एक बड़ी बात है, और उसके बाद ये रैंक अचीव किए कम समय में। तो ऐसे बच्चे मेरी लाइफ में बहुत आए, और मैंने देखा है फिर वो अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज से नहीं डरते, और वो जो चाहते हैं वो मिलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप अपनी लाइफ में जैसा जीवन चाहते हो वैसा आपको जीवन मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ ये सेशन एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द मोटिवेशन एंड नॉलेज।